हेलो फ्रेंड, रेल ज्ञान सीरीज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ई पास एचआर मतलब एचआरएमएस पास से ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं अगर किसी का नाम 16 डिजिट से ऊपर हो। तो दोस्तों, ये वीडियो खास हो जाता है जिनका नाम बड़ा है और उन्हें टिकट काटने में परेशानी हो रही है, और साथ में से बिगनर भी देख सकते हैं जिन्होंने आज तक कभी ऑनलाइन टिकट नहीं काटा है, क्योंकि मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे और आप खुद ऑनलाइन टिकट काट सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसमें क्या, सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना पिन यूज कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम या फिर अभी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो आप अपना रजिस्टर यूजर आईडी और पासवर्ड देके भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो हाउ टू रजिस्टर इन IRCTC मेरा एक वीडियो है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख के आप यहाँ सीख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लान योर जर्नी का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रॉम जहाँ से जाना है और जहाँ तक जाना है और डेट डाल लीजिए। उसके बाद रेलवे पास कंसेशन में टिक करना जरूरी है। अगर आप रेलवे पास कंसेशन में टिक नहीं करते हो तो आपका रेलवे पास से बुकिंग नहीं होगा। उसके बाद आप देख लीजिए आपको कौन सा सीट चाहिए, 3rd AC, 2 AC या फिर स्लीपर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टिकट बुक करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3rd AC में जाता हूँ और टिकट बुक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐड पैसेंजर में जाना है। ऐड पैसेंजर में आपको पैसेंजर का डिटेल इंटर करना होता है, जैसे कि नाम, एज, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस वगैरह यहाँ पे इंटर करना होता है। तो आपको जो आपके पास में जो नाम इशू है आपको स्पेलिंग सहित यहाँ पे सेम टू सेम इंटर करना है, और वही आपको एज यहाँ पर इंटर करना है और जेंडर इंटर करना है। साथ में आप अपना बर्थ प्रेफरेंस चूज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको पास का UPN नंबर डालना होता है। पास का UPN नंबर क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको PDF में बता देता हूँ, जो मेरा पास यहाँ पे डाउनलोडेड है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि पास का UPN नंबर क्या होता है। तो सबसे ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में आपको पास UPN नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ पर चाहे तो पास UPN नंबर कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर एक एक करके इंटर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको चाहिए पास बुकिंग कोड। ये पास बुकिंग कोड क्या होता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन होना पड़ेगा HRMS के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप कोई ब्राउजर से यहाँ पर लॉगिन हो जाइए, या फिर अगर आपके फ़ोन में HRMS का ऑफिशियल ऐप डाउनलोडेड है तो वहाँ से भी आप OTP मंगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रोम से लॉगिन हुआ हूँ और जाता हूँ पास में, माई पास इशू में जाना है। माई पास इशू में वहाँ पर जाके आपको जेनेट OTP का जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है, और आपको एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। वो 4 डिजिट का पासवर्ड होगा, वो यहाँ पर इंटर करना है। वो 1 घंटे तक वैलिड होता है। आप इसे चाहे तो पहले भी मंगा के रख सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में आपको यहाँ पे एक साथ एक ही वीडियो में बता दिया कि आप कैसे बुकिंग कोड मंगा सकते हो। इसी तरह दूसरा पैसेंजर का डिटेल भी यहाँ पे आपको इंटर करना है, सेम जो पास में रिटर्न है वही आपको यहाँ पर इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पर पास में मेंशन है प्रीति श्री भारती, तो मैं यहाँ पर प्रीति श्री भारती इंटर कर दिया। साथ में एज फीमेल और जो हमारा बर्थ प्रेफरेंस है वो भी यहाँ पे चूज कर दिया। उसके बाद सिंपली जो पास UPN नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ, और पास बुकिंग आईडी आपको वही बुकिंग कोड इंटर करना है जो पिछले बार बुकिंग कोड में इंटर किए थे, कि एक ही बुकिंग कोड चाहे वो 3 पैसेंजर रहे या 4 रहे सबके लिए वैलिड होता है। तो पास बुकिंग कोड इंटर करने के बाद आपको सिंपल ऐड पैसेंजर पर जाना है। तो अब जैसे ही ऐड पैसेंजर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए आपको दिखा रहा है नेम लेंथ मस्ट बी बिटवीन 3 to 16 डिजिट, मतलब हमारा जो नेम है वो 16 करेक्टर से बड़ा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ऐड पैसेंजर नहीं होगा। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनका नाम 16 करेक्टर से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नाम अगर आपका 16 करेक्टर से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 16 करेक्टर ही इंटर करना है, चाहे आपका नाम जितना भी बड़ा हो। जैसे यहाँ प्रीति श्री भारती है, अगर यह नाम का लेटर गिनेंगे तो प्रीति श्री में फर्स्ट नाम में 10 लेटर आ जाता है, एक स्पेस हो जाता है, और 6 आपका भारती में जाता है, मतलब टोटल 17 आपका कैरेक्टर हो जाता है। तो 17 कैरेक्टर यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं लास्ट का जो आई है उसको हटा देता हूँ। देखिए आई हटा दिया, अब टोटल 16 कैरेक्टर हो गया। प्रीति श्री में 10, एक स्पेस 11 और भारत में 5, टोटल 16 कैरेक्टर हो गया। अब देखिए 16 कैरेक्टर में यहाँ पर हमारा ये ऐड पैसेंजर हो जाएगा, और एक बार ऐड पैसेंजर हो जाने के बाद आप टिकट बुक आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं आपको समझाने के चक्कर में चला गया, नहीं तो आप इसे 3 या 4 मिनट में आप टिकट बुक कर सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है जहाँ पर आप जा रहे हो, ठीक है, उसका पिन कोड के साथ आपको यहाँ पर आपका एड्रेस फिल करना है। तो मैं अपना
जहाँ पे जा रहा था वर्धमान का पिन कोड यहाँ पे इंटर कर दिया। उसके बाद आपको रिव्यू जर्नी डिटेल करके आपको यहाँ पर रेड कलर का जो दिख रहा है रिव्यू जर्नी डिटेल में क्लिक करना है। आप जैसे रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका जो फेयर है वो 00 शो होने लगेगा। इसका मतलब आपका पास जो है वो रिडीम हो चुका है। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपका कैप्चा जो है यहाँ पे दिख रहा है टाइप इन बॉक्स बिलो, ये इंटर करना है। और आप यहाँ पे फेयर देख सकते हो, आपका जो फेयर है टिकट फेयर 0, कन्वीनियंस फी 0, इंश्योरेंस फी 0, सारा टोटल अमाउंट 00। यहाँ पे आप प्रोसीड टू पे जो रेड कलर का दिख रहा है इसमें प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते ही टिकट बुक हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देता हूँ। आप जैसे ही प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो आपको COVID-19 का अलर्ट यस करने को कहेगा कि आप इसको पढ़ चुके हैं। आप वहाँ पर यस कर दीजिए, उसके बाद थोड़ा देर वेट कीजिए क्योंकि IRCTC का जो ऐप है मतलब जो साइट है वो थोड़ा स्लो होता है। थोड़ा देर में ही आपको बुकिंग का कन्फर्मेशन मिल जाएगा, जैसे कि मुझे यहाँ बुकिंग का कन्फर्मेशन मिल चुका हो। यहाँ पर कोच नंबर B2 है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।